हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। वी आर स्टडिंग ड्राइंग इन ए कंप्यूटर, चैप्टर 10, ड्राइंग इन ए कंप्यूटर। ओके, टुडे वी आर स्टार्ट इरेजर टूल्स। इरेजर टूल मीन्स मिटाने का टूल। ओके, इरेजर टूल मिटाने का टूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। द इरेजर टूल इज यूज टू इरेज एनी पार्ट ऑफ द ड्राइंग। इरेजर टूल का यूज ड्राइंग के किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए किया जाता है। लुक एट दिस टूल बॉक्स। दिस इज टूल बॉक्स। ओके, एंड लुक एट दिस इरेजर टूल। इरेजर टूल क्या होता है? इरेजर टूल मिटाने का वर्क करता है, यूज़ करता है। हमें जैसे कोई भी हम पेंटिंग बना रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, वो लाइन हम गलत खींच जाती है या फिर पेंट गलत हो जाता है, उसको हमें इरेज करना होता है। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इरेज ये टूल्स में से हमें इरेजर टूल सिलेक्ट करना होता है एंड क्लिक ऑन द इरेज टूल। इरेज टूल टूल्स पर क्लिक करना होता है। प्रेस After then press and hold down the left mouse button and start moving the cursor on the drawing. The drawing will be erased. Eraser tool पर क्लिक करेंगे, फिर लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके रखें एंड कर्सर को ड्राइंग पर ले जाना स्टार्ट करें। इरेज़ टूल पर क्लिक करते ही जैसे कर्सर को इस पर हम रखेंगे, लेफ़्ट माउस बटन को दबा कर रखें एंड कर्सर को इस ड्राइंग एरिया पर ले जाना स्टार्ट करें। स्टार्ट करके हमें जो जो हमें इरेज करना है उस पर हम क्लिक करते रहें। यहाँ पर स्टार्ट का इरेजर का एक शेप आ जाती है। ये देखो, ये छोटा सा शेप है, ये इरेजर का ही है। इरेजर शेप आ जाएगी। इसके बाद जहाँ जहाँ हमें ड्राइंग इरेज करनी है वहाँ वहाँ हम इरेजर को पॉइंटर के द्वारा कर्सर से हम ले आएंगे, से ड्राइंग इरेज हो जाएगी। नेक्स्ट, सेविंग द ड्राइंग। क्लिक ऑन द सेव टूल फ्रॉम द टूल बार टू सेव द ड्राइंग। सेविंग द ड्राइंग मीन्स ड्राइंग को सेव करना। क्या होता है, जैसे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, वो ड्राइंग मान लो बहुत अच्छी बनी है, उसको हमें सेव करना है, तो उसके लिए इनमें एक ऑप्शन होता है सेव करने का, ड्राइंग को सेव करने का। क्लिक ऑन द सेव टूल फ्रॉम द टूल बार टू सेव द ड्राइंग। ये जो टूल बार दिया हुआ है, ये टूल बार है, इसमें ये तो है इरेज टूल्स, ये तो है इरेज टूल्स। ओके, एंड इरेज के पास है न्यू, एंड इसके पास है ओपन, एंड ओपन के पास है सेव टूल। इस सेव टूल पे हमें क्लिक करना होता है माउस से। इस सेव टूल पर क्लिक करेंगे तो अपने जो भी ड्राइंग हमने यहाँ बना रखी है उस जगह हमने यहाँ पे बना रखी है जो भी ड्राइंग वह सेव हो जाएगी। इन नेक्स्ट टाइम जब भी हमें उसको ड्राइंग को देखना हो तो हम उसको ओपन कर लेंगे यहाँ से हमें सेव की हुई ड्राइंग को ओपन हो जाएगी यहाँ से। ओके, जो भी हम ड्राइंग सेव करेंगे वो यहाँ से ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट,
क्लोजिंग टक्स पैंट, मतलब टक्स पैंट को क्लोज करना, इसको बंद करना, जैसे हम टक्स पैंट का यूज़ कर रहे हैं ड्राइंग करने के लिए। अब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है या फिर हमें कोई और वर्क करना है या हमारा मन नहीं है ड्राइंग करने का, हमें टक्स पैंट ऑफ करना है, क्लोज करना है, तो हम कैसे क्लोज करें यह इसमें बताया गया है। क्लिक ऑन द क्विट टूल, सबसे पहले तो हमें जो क्विट टूल है इस पर हमें क्लिक करना है। ये क्विट टूल कहाँ पर है ये देखो, ये जो है टूल बार है, सबसे पहले इस टूल बार में आप ये देखो इरेज टूल, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट एंड क्विट, ये देखो, लुक एट दिस क्विट टूल, ये जो क्विट है इस पर हमें क्लिक करना है। अ बॉक्स विल अपीयर, जैसे ही हम क्विट टूल पर क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स है ये हमें सामने दिखाई देगा, ये जो बॉक्स है ये हमारे सामने आ जाएगा। इस बॉक्स में से हमें क्लिक ऑन यस बटन इफ़ यू वांट टू क्विट, यदि हमें ये जो ड्राइंग है, ये जो टक्स पेंट है, ये हमें बंद करना है, क्विट करना है, तो हम इस यस पर हमें क्लिक करना होता है। क्लिक ऑन यस बटन अगेन इफ़ यू वांट टू सेव द फाइल बिफोर क्लोजिंग, यदि हमें, यदि आप फाइल को क्लोज करने से पहले सेव करना चाहते हैं तो फिर से हमें यस बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ये तो हो गया यस सेव इट, मतलब हमें ये जो ड्राइंग है, फाइल है जो हमने बनाई है, इसको सेव हो जाएगी यहाँ से और इसके बाद ये क्लोज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ओपनिंग ए ड्राइंग, ड्राइंग को ओपन करना, इसके लिए क्या होता है, क्लिक ऑन द ओपन टूल, सबसे पहले तो हमें ओपन टूल पर क्लिक करना होता है। ओपन टूल कहाँ मिलेगा हमें, ये जो टूल्स बार है, ये जो टूल्स बार है इसमें ही है, देखो ये इरेजर, न्यू के इरेजर के जस्ट नीचे है ये ओपन टूल, कि बेटा ये है ओपन टूल। इस ओपन टूल से क्या होता है, जो भी अपनी फाइल होती है, जो भी अपनी ड्राइंग होती है, जो सेव की हुई होती है, वह इससे ओपन हो जाएगी। ओके, एक ड्राइंग ओपन करना, ओपनिंग ए ड्राइंग, एक ड्राइंग ओपन करना, क्लिक ऑन द ओपन टूल, सबसे पहले हमें ये जो टूल्स बार है इसमें से हमें इस ओपन टूल पर क्लिक करना है। सिलेक्ट द ड्राइंग डेट यू वांट टू ओपन, जो भी ड्राइंग हमें ओपन करनी है वह उस पर हमें सिलेक्ट करना है। ओके, नाउ क्लिक ऑन द ओपन बटन, सिलेक्ट करके हम इस ओपन बटन को क्लिक करेंगे, द ड्राइंग विल ओपन, इससे जो भी ड्राइंग हमने सिलेक्ट की थी वह ड्राइंग ओपन हो जाएगी। ओके बेटा, सो टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, टुडे दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, ड्राइंग इन ए कंप्यूटर। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा, इस चैप्टर में हमने ड्राइंग करना सीखी। ओके, सबसे पहले तो हमने टक्स पैंट ओपन करना सीखा, इसके बाद इसमें हमने स्टार्टिंग अ न्यू ड्राइंग, ड्राइंग करना सीखा, इसके बाद हमने इस ड्राइंग में कलर भरना सीखा, सबसे पहले हमने ड्राइंग करना सीखा, इसके बाद हमने इसमें कलर भरना सीखा, इसके बाद ये जो पेंट टूल है, ब्रश शेप्स आती है इसमें, ये हमने सीखा, इसके बाद हमने इरेजर टूल्स के बारे में पढ़ा, इरेजर टूल्स, आफ्टर देन सेविंग द ड्राइंग, आफ्टर क्लोजिंग टक्स पेंट एंड ओपनिंग अ ड्राइंग, मींस ड्राइंग को ओपन करना। सो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट डे यू विल गेट इट्स पीडीएफ। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे आपको इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके,
बाय बाय, थैंक यू सो मच।